तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक का एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो आज हम इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इस टाइप के वीडियो शूट कर लेना है। शूट करते समय आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो में 50% पार जो आपको आसमान देखना चाहिए, जैसे कि इस वीडियो में आपको दिख रहा है। इसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 से 4 फोटो का लिंक दे रखा हूँ, उसे डाउनलोड कर लेना है, या फिर डायरेक्ट आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद काइनमास्टर एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है, वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है। वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। फर्स्ट वीडियो हमारा कुछ इस तरह से शूट किया गया है, और सेकेंड पार्ट का वीडियो जो हमारा कुछ इस तरह से शूट किया गया है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, स्ट्रैक्ट आइडियो कर देना है, वीडियो पर क्लिक करना है, इसे आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पर आइडियो नीचे आ चुका है। इसके बाद वीडियो को आपको प्ले कर देखना है। आप देख सकते हैं इस यहाँ पे मैं जैसे हाथ से लेफ्ट से राइट कर रहा हूँ। सिंपल लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक फ़ोटो का लिंक पहले मेरा सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले मेरे को अमिताभ बच्चन का लेना है। इसके बाद सिंपल इसे इस तरह से जूम कर लेना है, और ऊपर की तरह जो आसमान दिख रहा है वहाँ पर आपको सेट कर देना है। नीचे की तरफ आना है, ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको मल्टीपे पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर ओपेसिटी को आपको कम कर देना है, तो यहाँ पे 53-54 के आसपास आपको कर देना है। तो हमारा वीडियो कुछ फर्स्ट वीडियो कुछ इस तरह से हो गया हुआ है। जैसे सेकेंड, जैसे मैं टर्न लेता हूँ, जैसे इस साइड में जैसे ही करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिलीप कुमार का फ़ोटो आना चाहिए। तो सिंपल आपको सबसे पहले वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इसको कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट करेंगे, लेयर पर आएंगे, मीडिया पर आएंगे, और यहाँ पर हमें दिलीप कुमार का इमेज लेना है। फिर से हमें इसे जूम कर लेना है, एडजस्ट कर कर इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। ब्लेंडिंग पे आना है, मल्टीपे पे क्लिक करना है, ओपेसिटी को आपको कम कर आपको एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद फिर से हम आगे की तरफ आना है। जैसे हम सीधे की तरफ होता हूँ तो यहाँ पे आपको बच्चा का फ़ोटो लगाना है। सिंपल आपको फ़ोटो क्लियर पे क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे, लेयर पर आएंगे, मीडिया पर आएंगे। फिर से हमें फ़ोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सारा फ़ोटो मैंने गूगल से डाउनलोड कर रखा हूँ, तो आपको भी डाउनलोड कर लेना है। इसको आपको सिंपल आपको इस तरह से आपको जूम कर एडजस्ट आपको कर लेना है। ब्लेंडिंग पे आना है, फिर से हमें इसे मल्टीप्ले कर देना है, ओपेसिटी को हमें कम कर देना है। इसके बाद वीडियो को हमें आगे तरफ लेकर आना है। इसके बाद यहाँ पे हमें अक्षय कुमार को दिखाना है। फोटो के लेयर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे, लेयर पे आएंगे, मीडिया पे आएंगे। इसके बाद हमें फिर से हमें फोटो को सेलेक्ट करेंगे, अक्षय कुमार का फ़ोटो को सेलेक्ट करके इस तरह से हमें जूम कर एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद फिर से हमें ब्लेंडिंग पे आना है, यहाँ पे आपको मल्टीपे पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको ओपेसिटी जी इस तरह से आपको हल्का कम कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट तक हमारा इमेज आ चुका है। तो यहाँ पे हमें डबल रोल चाहिए, सिंपल इसके बाद वीडियो को आगे तरफ लेके जाना है। यहाँ पर देख सकते हमारा जो है सेकेंड वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैंने शूट किया था। सिंपल से हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ बस सीन जाता है, इस पोजिशन में आना है, वीडियो कलर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। इसके बाद हमारा वीडियो जो है यहाँ तक हमारा ख़त्म हो जाता है। जैसे हम हाथ ऊपर तक की लेकर सीन लेना है, हमें वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, और ट्रिम टू राइट कर देना है अपने को। इसके बाद फिर से हमें वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। इस पोजीशन को हमें स्लो मो कर देना है। सिंपल से हम स्लो मोशन कर देता हूँ। इस वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, डुब्ली एस लेयर पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो ये है जो पार्ट है डबल पार्ट हो चुका है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, इसे हम इसे प्रेस करके रखेंगे, इसे लास्ट तक यहाँ तक लेकर आ जाएंगे। अब देख सकते हैं सिंपल फिर इसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्रॉप पे क्लिक करेंगे, इसे इनेबल कर देना है, क्रॉप को सेलेक्ट करके इस तरह से हमें क्रॉप कर देना है। इसके बाद इसे डन करेंगे, इस पर क्लिक करना है, इस तरह से आपको जूम कर देना है,
इसके बाद ओपेसिटी को आपको, इसके बाद सिंपल इस पर आपको यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ा हल्का कम कर देना है, ठीक ठीक है। इसके बाद सिंपल इस पर क्लिक करना है और सिंपल इस तरह से आपको एडजस्ट आपको यहाँ पे हो जाना है। क्लिक करेंगे एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना पहले। ये फोटो जो है हमारा अक्षय कुमार का पहले ही मैंने ऐड कर दिया था, तो पहले हमें ऐड नहीं करना, पहले इसे हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, पिक्चर पे आएंगे और अक्षय कुमार का फ़ोटो आप मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसे जूम करना है और इस तरह से आपको एडजस्ट कर कर ब्लेंडिंग में आना है और यहाँ पे आपको मल्टीप्ले करना है, ओपेसिटी को आपको कम कर देना है। तो हमारा देख सकते हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते कट रहा है अभी भी फ़िलहाल में, तो सिंपल आपको करना है कि इस पर क्लिक करना है और इसे आपको इस तरह से हल्का कर देना है। तो आप देख सकते हमारा ढोल ढोल भी हो चुका है, हमारा वीडियो भी यहाँ पर बिल्कुल मैच हो चुका है। तो आपको करना क्या है, सिंपल आप सेटिंग पे आना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे आना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और इस वीडियो को आपको टिकटॉक के साउंड पे अपलोड कर देना है। टिकटॉक का साउंड का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलीन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।